सो दोस्तों आजकल एक सॉन्ग है जो कि इंस्टाग्राम रील्स पर बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से वायरल चल रहा है दोस्तों। ये जो सॉन्ग है एक हिंदी सॉन्ग है दोस्तों, पहली बार मोहब्बत की। आप लोगों ने ये सॉन्ग तो जरूर सुना होगा दोस्तों। ये सिर्फ 19 सेकेंड का स्टेटस है, लेकिन गाइस आज की इस वीडियो को क्रिएट करने में हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है। जो दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा स्टेटस, आप लोग को समझ में आ जाएगा। सो दोस्तों आप लोग से एक रिक्वेस्ट है गाइस, आज की इस वीडियो का जो लाइक एम है गाइस वो मैं रखता हूँ 1 के, क्योंकि दोस्तों आज की इस वीडियो को बनाने में हमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है। देखते हैं कि आप लोग हमसे कितना प्यार करते हैं गाइस। आप लोग के लाइक से हमें पता चल जाएगा कि आप लोग सूरज भाई से कितना ज़्यादा प्यार करते हैं। तो प्लीज़ गाइस इस वीडियो पे जो लाइक एम है 1 के है, प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि करा दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। तो आज का जो सॉन्ग है बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग सॉन्ग पर है, और इस वीडियो को आज बनाना बहुत ही आसान रहेगा, मैं आपको बताऊँगा बहुत ही ईजी स्टेप में दोस्तों। तो उसे बने रहिएगा वीडियो में एंड तक। एंड दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, जो जो हमारे चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को और प्रेस जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो फटाफट से हम लोग प्रीव्यू देख लेते हैं, लेट्स गो। सो दोस्तों कैसा लगा आपको आज का स्टेटस हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। आज की इस वीडियो को बनाने में बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगी है दोस्तों, तो आप लोग को ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगा, आप लोग सिर्फ बहुत ही कम समय में बना लेंगे इस प्रकार का स्टेटस, जो दोस्तों आपने प्रीव्यू देख लिया दोस्तों। आज की इस वीडियो क्रिएट करना बहुत ही आसान है, इसके लिए गाइस आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ेगी जिसका नाम है अलाइट मोशन। अगर आपके पास अलाइट मोशन नहीं है तो आप हमारे टेलीग्राम से जाकर ले सकते हैं, वो बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन वहाँ पर हमने पिंग करके रखा है। एंड दोस्तों इसमें जितने भी फोटो वगैरह यूज़ होने वाले हैं सब आपको हमारे टेलीग्राम से देखने को मिल जाएगा। अगर गाइस आपको मटेरियल डाउनलोड करने में दिक्कत होती है तो उसी नीचे आपको देखने को मिल जाएगा वीडियो हाउ टू डाउनलोड नाम का, तो वीडियो जाकर बहुत आसानी से आप देख लीजिएगा। इसमें गाइस सॉन्ग बीट मार्क एंड सेक इफेक्ट का जो प्रीसेट है और XML फाइल दोनों इसमें यूज आपको देखने को मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप जाकर के आसानी से बहुत आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड दोस्तों आपको क्या करना है, वीडियो में एंड तक बने रहना। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत करिएगा, नहीं तो आप लोग को वीडियो बनाने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। सो प्लीज वीडियो को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए दोस्तों फटाफट से हम लोग सीख लेते हैं और चलते हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर, लेट्स गो। ओके सो गाइस मैं आप लोग को पहले बता दे रहा हूँ कि वीडियो का एक भी पार्ट स्किप नहीं करना है, नहीं तो आप लोग को वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। तो प्लीज़ आप लोग से रिक्वेस्ट है कि वीडियो का एक भी पार्ट स्किप मत करिएगा। सो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको जो अलाइट मोशन है इसको आपको ओपन कर लेना है। इस एप्लीकेशन को आपको ओपन करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो हो जाएगा। इस यहाँ पर मेरा इंटरनेट ऑफ है इसलिए थोड़ा सा लेट ले रहा है। एंड दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार का इंटरफेस आपका शो हो जाएगा, फिर क्या इस प्लस के बगल में आपको इस प्रकार से शो हो जाएगा, ठीक है। फिर प्लस के बगल में प्रोजेक्ट पर क्लिक कर देना है। एंड दोस्तों आपको डिस्क्रिप्शन में इसका XML फाइल एंड प्रीसेट लिंक दोनों आपको देखने को मिल जाएगा, तो आप जाकर के आसानी से डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको मटेरियल डाउनलोड करने में प्रॉब्लम होती है तो उसी नीचे आपको एक वीडियो देखने को मिल जाएगा लिंक, उस वीडियो पर क्लिक करके आप उस वीडियो को देख लीजिएगा, ठीक है। सो गाइस सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो आपका बीट मार्क है इस पर आपको क्लिक कर देना है, ओके। यहाँ पर गाइस आप देख लीजिए, यहाँ पर मैंने इंस्टाग्राम का साइज भी करके रखा है, क्यों दोस्तों ये जो ट्रेंड है इंस्टाग्राम पर बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है, इसलिए यहाँ पर मैं इंस्टाग्राम का साइज यहाँ पर सेलेक्ट करके रखा हूँ, ठीक है। एंड दोस्तों यहाँ पर आपको अब क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आप वीडियो का स्किप करके मत देखिएगा, मैं आप लोग से एक बार और बोल दे रहा हूँ, ठीक है। सो गाइस यहाँ पर सबसे पहले आपको प्लस पर क्लिक करना है इस प्रकार से, और दोस्तों मीडिया पर जाना है, और यहाँ पर आपको इस प्रकार से आपका इंटरफेस शो हो जाता है, ठीक है। तो आपके गैलरी में आप जिस भी फोल्डर में आप जो भी फोटो रखे रहेंगे वहाँ पर आपको फोटो को चूज कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस मैं इस फोटो को इस प्रकार से चूज कर लेता हूँ, और जो थ्रेड क्लिक करके इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं, ठीक है। और उससे जो आपका ये एरो दिख रहा है, मैंने नीचे वाला डिलीट कर देते हैं, आपका जो ये एरो दिख रहा है, ठीक है, इस एरो पर आपको क्या करना है, आगे आपको जो जो नेक्स्ट बीट आता है आपको उस बीट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। आपका जो ये नेक्स्ट बीट है यहाँ पर इसको क्लिक करके यहाँ पर इसको आप मिला देना है, ये आपका मिल जाएगा, ठीक है। अब गाइस क्या करना है, आपको इसी को कॉपी करना है इस प्रकार से, यहाँ पर आपको इस प्रकार से पेस्ट कर देना है, ठीक है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर पेस्ट कर देना है। अब गाइस यहाँ पर आपको एरो पे क्लिक करना है, जो आपका नेक्स्ट बीट है यहाँ तक आपका ये सेट हो गया है, ठीक है। तो गाइस अभी आपको क्या करना पड़ेगा, आपका जो इसको सेलेक्ट करके रखना है सेकेंड वाला, इस प्रकार सेलेक्ट करके रखना, और इसको इस प्रकार से जो नीचे आपका ये दिख रहा है ये जो फ्लैश बीट है यहाँ पर आपको इस प्रकार से ला कर इस प्रकार पेस्ट कर देना है, ठीक है। एंड फिर से आपको बैक कर लेना है, और आपका जो सेक इफेक्ट है इस पर आपको क्लिक कर देना है। ये सब गाइस देखिए आप, ये HDR इफेक्ट है, तो वीडियो कम्प्लीट हो जाने के बाद आप यहाँ पर इसको पेस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। अब गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर क्लिक कर देना है, और इफेक्ट पर क्लिक करके जो आपका पहला इफेक्ट है कॉपी इस प्रकार से कर लेना है, ठीक है। और उसको बैक करके आपका जो बीट मार्क है इसको इस प्रकार से ओपन कर लेना है। अब गाइस यहाँ पर आपका जो ये फोटो आप अटैच किए हैं ना, आपको क्या करना पड़ेगा, इस पर क्लिक कर देना होगा, और इफेक्ट पर क्लिक करके इस प्रकार से आपको पेस्ट
कर देना है। देखिए अब इस प्रकार से ये पेस्ट हो जाएगा, कुछ इस प्रकार का आपका इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो अभी अगर इसको मूव कर लेना है और यहाँ पर आपको इस प्रकार से बीच में इसको रख देना है, ठीक है। तो गाइस अभी आपको क्या करना पड़ेगा, फिर से आपको इस पर क्लिक कर देना है और यहाँ पर आप इसको इस प्रकार से पेस्ट कर देना है। इसको इस प्रकार से ला करके बीच में आपको छोड़ देना है। यहाँ पर गाइस आप देखते हो किस प्रकार से आपका प्ले होगा, तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिला, जो कि यहाँ पर फोटो भी शो हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो ये कुछ इस प्रकार का आपका इंटरफेस शो हो जाता है। फिर गाइस आपको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको एरो पे क्लिक कर लेना है यहाँ पर, ठीक है। एंड फिर आपको गाइस प्लस पे क्लिक करना है, मीडिया पे जाना है। यहाँ पर आप कोई भी फोटो यहाँ पर अटैच कर सकते हैं। तो हम गाइस क्या करते हैं, यहाँ पर कोई भी फोटो अटैच कर लेते हैं, यही फोटो अटैच कर लेते हैं, या फिर जो आपका ये वीडियो का पार्ट है, अभी जो आप इफेक्ट ऐड किए थे, आप इसको ही आपको यहाँ पर क्लिक कर देना होगा। और जो टाइमर है यहाँ पर, इसको आपको यहाँ तक इसको मिला देना होगा। तो ये जो आपका ये जो इफेक्ट है, कुछ इस प्रकार का इंटरफेस शो होगा। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो आपका ये वन और ये आपका जो तीनों लाइन शो कर रहा है ना, आपको इसको इस प्रकार से पकड़ के लाना होगा। और गाइस जो आपका वो थ्री इफेक्ट आपका शो कर रहा है, सबसे नीचे आपको ला करके इस प्रकार से आपको छोड़ देना होगा, ठीक है। एंड गाइस मैं आपका यही वाला सेकंड वाला बात कर रहा हूँ, ठीक है। पहले ना सेकंड वाला, तो आपका जो ये यहाँ पर इसको लाकर इस प्रकार छोड़ देना, जो इफेक्ट है आपका इस प्रकार का क्रिएट होगा, ग्लिच वाला, ठीक है। फिर गाइस आपको एरो पे क्लिक करना है। अब गाइस क्या करना है, आपको यहाँ पर आपको फोटो अटैच कर लेना है, ठीक है। फोटो अटैच करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर देख रहे हैं साइज, इसका जो साइज़ है वो 9x16 है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जिस फोटो आपको लगाना होगा, अपने गैलरी में फोटो ओपन कर लीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, शेयर पर क्लिक करना है, इसको आपको अपने पी कार्ड्स में शेयर करना है इस प्रकार से, ठीक है। और दोस्तों इस प्रकार से आपको क्रॉप पे क्लिक कर लेना होगा। और दोस्तों क्रॉप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिला इस प्रकार से स्टोरी साइज, इस पर क्लिक करके आपको साइज पर टिक करके कम से कम आपको 10 फोटो को इस प्रकार से कन्वर्ट करके सेव कर लेना होगा अपने गैलरी में, ठीक है। हाँ दोस्तों, आपको अपने गैलरी में सेव करने के बाद फिर से आपको जो अलाइट मोशन ऐप को इसको ओपन कर लेना है। तो आपके सामने जो ये वाला प्रोजेक्ट आपको शो हो रहा है, इसके अंदर क्या करना पड़ेगा, आपको अपना फोटो ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों सेम फोटो रहेगा, तो पहले पर हम क्लिक करते हैं और करंट फीड पर क्लिक करना है, इंस्टॉल आइकन पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है। आप अगर पी कार्ड्स में किए होंगे तो आप पी कार्ड्स में इस प्रकार से ओपन होकर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस मैं एग्जांपल थ्रू मैं इस फोटो को लेता हूँ, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ, ठीक है। तो मैं प्लस पर क्लिक कर लेता हूँ, यहाँ पर जो तीनों फोटो शो हो रहे हैं तीनों के अंदर आपको लगाना है। तो इस प्रकार से हम करंट फीड पे क्लिक कर लेते हैं, तीनों सेम फोटो रहेगा। यहाँ पर आपका इस ध्यान से देखिएगा वीडियो को, फोटो को, ठीक है। आपका इस यहाँ पर जो फोटो है वो तीनों फोटो यहाँ पर ऐड होने वाला है। तो कैसे आप देख सकते हैं, कुछ इस प्रकार से हमने तीनों फोटो यहाँ पर ऐड कर दिया है, ठीक है। फिर कैसे आपको थोड़ा सा आगे जाना है और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 1, 2, 3 लेयर शो हो रहा है। आपको इस पर क्लिक करना है, करंट फीड पर क्लिक करना है। आप जो अभी 16:9 वाला जो रिश्यू था वो आपने शेयर करके इसमें ऐड किया था, तो यहाँ पर हम फोटो को इस प्रकार से ऐड कर लेते हैं, प्लस पर क्लिक कर लेते हैं, ठीक है। अब गाइस हमारा जो है फोटो यहाँ पर ऐड हो चुका है पहले में, फिर हमको यहाँ पर तीनों में ऐड करना है, ठीक है। सेम फोटो रहेगा, यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि सेम फोटो रहेगा। तो यहाँ पर प्लस पे क्लिक कर लेते हैं हम, इस प्रकार से हम गाइस यहाँ पर आप देखते हैं कुछ प्रकार से हम ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका तीनों सेम फोटो रहने वाला है, तो यहाँ पर हम गाइस इस फोटो को ऐड कर लिए हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कुछ प्रकार से हमारा जो बीच वाला फोटो चेंज हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर तीनों फोटो सेम रहने वाला है, तो आप तीनों फोटो सेम है इस प्रकार से आपको ऐड कर लेना होगा। आप देख सकते हैं कुछ प्रकार से हमने यहाँ पर ऐड कर लिया है, ठीक है। अब गाइस हमारा जो ये तीन फोटो यहाँ पर ऐड हो चुका है, ये ऐड हो गया, फिर ये ऐड हो गया, फिर ये आ गया आपका, ठीक है। कुछ प्रकार का इंटरफेस हो रहा है। गाइस यहाँ पर आपको एक इमेज दिख रहा है, इमेज पर क्लिक करना है, कलर फील्ड पर जाना है और इंस्टॉल आइकन पर इस प्रकार से क्लिक कर देना है, ठीक है। और दोस्तों यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, जो भी आपका साइज़ आप कन्वर्ट किए रहेंगे, आपको वाला साइज़ यहाँ पर प्लस पे क्लिक करके यहाँ पर ऐड कर देना है। आप देख सकते हो किस प्रकार से इफेक्ट के साथ आपका ये ऐड होगा, बहुत ही यूनिक और बहुत ही नए कॉन्सेप्ट के साथ आपको लग रहा है, ठीक है। अब गाइस यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जितने भी यहाँ पर आपका इमेजेस यहाँ पर जो बॉक्स बने हुए हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हो किस प्रकार से हमने कलर के साथ यहाँ पर ऐड करके दिया है। तो गाइस यहाँ पर आपको अपना फोटो ऐड कर लें, उसके बाद गाइस आगे आपको देखने में लगा एक ग्रुप, ठीक है। अब इस ग्रुप के अंदर कैसे लगाना है, आपको क्या करना पड़ेगा, अभी गाइस यहाँ पर आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिला एक खाली जगह, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करना है, आपको यहाँ पर भी आपको फोटो को अटैच करें, यहाँ पर आप कोई भी साइज का फोटो अटैच कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं इस फोटो को यहाँ पर साइज अटैच कर लिया, ठीक है। तभी गाइस यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, आपको इफेक्ट लगाना होगा। तो बैक करके आपको अपने सेक इफेक्ट में आना है, ऐसे इफेक्ट को हम यहाँ पर कॉपी इस प्रकार से कर लेते हैं, ठीक है। ये गाइस कॉपी हो जाएगा, फिर आपका जो बीट मार्क इस पर आपको ओपन कर लेगा। यहाँ पर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिला इस प्रकार से जो है खाली जगह यहाँ पर था, ठीक है। और गाइस आगे आएंगे तो एक और खाली जगह आपको दिखेगा, यानी कि दो जगह आपको खाली खाली जगह दिख रहा था। यहाँ पर हम इस प्रकार से यहाँ पर भी फोटो को अटैच कर लेते हैं, तो यहाँ पर हम इस फोटो को यहाँ पर अटैच कर लेते हैं और फुल स्क्रीन करके बचे भाग को इस प्रकार से कट कर देते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर जो फोटो है इस पर क्लिक कर देंगे, इफेक्ट पर क्लिक करके इस इफेक्ट को यहाँ पर हम पेस्ट कर देंगे। फिर आगे जाएंगे तो हम इस पर क्लिक करके इस प्रकार से जो बचा जो यहाँ पर खाली जगह था यहाँ पर फोटो अटैच मैंने कर दिया, तो यहाँ पर मैंने इस इफेक्ट को भी यहाँ पर ऐड कर दिया, ठीक है। वैसे यहाँ पर ये बस इतना हो जाएगा। फिर आप आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको इमेज लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, तो इसके अंदर आपको फोटो अटैच करना है, जो कि आपका
रहेगा सोलर ऊपर, नाइट सोलर एसी वाला रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस जो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिया है, पर आप देख सकते हैं किसी प्रकार से हमने ऐड कर दिया। तो गाइस यहाँ पर आपको बहुत जगह ऐसा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पर अगर मैं सभी करके दिखाऊंगा तो वीडियो का जो लेंथ है बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर आपका जो ये दिख रहा है ग्रुप, यहाँ पर इस ग्रुप के क्लिक करना है, एडिट ग्रुप पर क्लिक कर देना है। सेम आपका प्रोसेस यहाँ भी है, यहाँ आप देख सकते हैं किस प्रकार का आपको इंटरफेस देखने को मिल जाता है। तो इमेज पे क्लिक करके करंट फील्ड पे क्लिक कर देना है। यहाँ पर आपको जो भी फोटो आप यहाँ पर अटैच करना चाहे आप अटैच कर सकते हैं, अगल अलग अलग फोटो भी आप यहाँ पर अटैच कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर गाइस आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से आपको करंट फील्ड पे क्लिक करके रखना है। और यहाँ पर आपको जितने भी देख रहे हैं यहाँ पर आपका ये बीट इसके अकॉर्डिंग आपको अटैच कर लेना है, ठीक है। तो गाइस यहाँ जितनी इमेज में लिखा हूँ इमेज के अंदर आपको फोटो को अटैच करना है। अब गाइस यहाँ पर आपको ध्यान देना है जो डबल आपका लाइनिंग है यहाँ पर दोनों फोटो सेम होगा, और यहाँ आगे आएंगे तो यहाँ पर भी आपका दोनों फोटो सेम होगा, ठीक है। इतना गाइस आपको हो जाएगा इस ग्रुप के अंदर। इस ग्रुप के अंदर हो जाने के बाद जब आगे आएंगे तो यहाँ पर आपको देखने मिल जाएगा कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपका जो इमेज लिखा हुआ है, ठीक है, आपका ये जो इमेज जिसको हम डिलीट कर देते हैं, यहाँ पर जो इमेज लिखा है आपको इस पर क्लिक कर लेना है, ठीक है। एंड कलर फील्ड पे क्लिक करना है, स्ट्रोक पे क्लिक कर देना है। जो भी आप फोटो यहाँ पर अटैच करना चाहें आप अटैच कर सकते हैं। तो मैं गाइस यहाँ पर कोई फोटो अटैच कर लेता हूँ। यहाँ पर गाइस मैं मान लीजिए यही फोटो यहाँ पर अटैच कर लेता हूँ जो मैंने यहाँ पर ऐड किया था, ठीक है। तो हम यहाँ पर यही फोटो अटैच कर चुके हैं, ठीक है। आप जैसे कुछ प्रकार से हमारा ऐड हो चुका है, क्योंकि बहुत यूनिक और बहुत ही कॉन्सेप्ट साथ बहुत ही यूनिक लग रहा है, ठीक है। अभी गाइस आपको क्या करना पड़ेगा, इसको गैलरी में सेव करना है। तो सेव करने के लिए आपको बहुत ही ध्यान देना पड़ेगा, आपको बॉक्स पर यहाँ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा इस प्रकार का इंटरफेस हो जाता है। तो यहाँ पर आपको इस प्रकार 720 रखना है, और यहाँ पर आपका इसका रेजोल्यूशन फुल स्क्रीन कर देना है, ठीक है। और गाइस यहाँ पर बॉक्स पे क्लिक करके यहाँ पर आपको दिख रहा है 60 FPS, इसको आपको कर देना है, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। फिर आपको इस पर क्लिक कर देना है, और यहाँ पर आपको इसको एक्सपोर्ट करके अपने गैलरी में सेव कर लेना है। बहुत ही आसानी से आपके गैलरी में सेव हो जाएगा। तो आई होप गाइस आज के वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं किसी और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।